नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज 27 में। हाथरस के चर्चित गैंगरेप केस में सीबीआई की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट बताती है कि लड़की के लगाए गए आरोप सही हैं। पीड़िता के 22 सितंबर को दिए गए आखिरी बयान सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों के कराए गए ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट ने भी जाँच में अहम भूमिका निभाई। बीती 22 सितंबर को लड़की ने एएमयू ट्रामा सेंटर में दिया गया बयान पूरे केस की रीढ़ बनी है। इस बयान में पीड़िता ने चारों आरोपियों पर रेप करने और शारीरिक हिंसा करने का आरोप लगाया था। इसी बयान के बाद हाथरस पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगरेप की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बीती 30 सितंबर को लड़की की मौत के बाद हत्या की धाराएं भी केस में जुड़ गई थी। सीबीआई को मामला ट्रांसफर होने के बाद गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में जाँच एजेंसी ने इन्हीं धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। अपनी 69 दिनों की जांच पड़ताल के बाद जब शुक्रवार को सीबीआई ने उक्त संगीन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की, स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। सीबीआई ने अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों के गुजरात लेकर ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराए थे। माना जा रहा है कि इन टेस्टों में भी सीबीआई के हाथ पुख्ता सबूत लगे होंगे। जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के घर से कई वस्तुएं आदि भी बरामद की थी। कुल मिलाकर सीबीआई की जांच ने साफ कर दिया है कि हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत हुई थी। पूरा मामला तो कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक बात साफ है कि अब बिटिया के परिजनों में इंसाफ की आस जरूर जग गई। खबरों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज 27। धन्यवाद।